गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। हम अभी सेकेंड क्लास का मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम कर रहे हैं रिवीजन चैप्टर 1 to 9। इसमें से हमने आपके जो फर्स्ट चैप्टर था उसका रिवीजन कर लिया है। उसमें हमने नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, 101 to 1000 तक के नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं, और उसमें सीखा था कि आफ्टर में कैसे नंबर लिखना है, बिफोर में कैसे लिखना है एंड बिटवीन में कैसे लिखना है। क्लियर? आज हम आपका करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है नंबर नेम्स इन 3-डिजिट नंबर्स। क्या नाम है? नंबर नेम्स इन 3-digit numbers। ओके, डिजिट नंबर्स। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। आपको नंबर्स मिलेंगे कौन से? 3-digit वाले, मतलब 100 से ऊपर वाली नंबर्स। ओके, और आपको क्या लिखना है? इसके नंबर नेम लिखना है। बहुत ही इजी है अगर आपको 100 तक के नंबर्स लर्न है तो, बहुत इजी है, क्योंकि सारे नंबर्स हमें 1 to 100 अगर हमें लर्न है तो हम आगे किसी भी डिजिट्स के नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए 1 to 1000 तक, तो इजीली बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे आपको नंबर दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक का ले लेते हैं, 872 लिखा हुआ है आपके पास, नंबर लिखा हुआ है 872। लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए, नंबर नेम बनाने के लिए पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि नंबर कौन सा है। अगर आपको यही नहीं पता कि नंबर कौन सा है तो आप नंबर नेम तो बना ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो आपको पहले क्या करनी है, काउंटिंग लर्न करनी है आपके फर्स्ट चैप्टर में से, ठीक है, कि किस नंबर को क्या स्पीक किया जाता है। ओके, उसके बाद में आप इजीली नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो, 1s, 10s, 100, तो 800, 7 to 10s को साथ में पढ़ते हैं तो 72, तो आपका नंबर है 872। आपने पहचान लिया आपका नंबर कौन सा है, 872। मैंने कौन सा नंबर लिखा, 872। अब जो आपने स्पीक किया आपको वही लिखना है। आपने बोला 8, पहले क्या स्पीक किया, 8, तो आपको लिखना है 8। 8 की स्पेलिंग लिखनी है, 8 की स्पेलिंग क्या होती है, सबने पढ़ी ना 1 to 10 में, EIGHT, 8 क्या होती है, EIGHT, 8। अब 8 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हमें किसकी स्पेलिंग लिखनी है, 100 की, 800 हमने स्पीक किया, 800, 8 हमने लिख दिया। अब 100 की स्पेलिंग, 1 to 100 में लास्ट वाला 100 की स्पेलिंग क्या होती है, HUNDRED, 100, 100 की स्पेलिंग देखिए, HUNDRED, 100, H 3-digit नंबर में 100 की स्पेलिंग आपको हर जगह यूज़ में लेनी है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए, HUNDRED, 100, हमने स्पीक किया था 800। उसके बाद में हमने स्पीक किया 72, तो पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, 70 की, 70 की स्पेलिंग क्या होती है, SEVENTY, 72, तो 2 की स्पेलिंग क्या होती है बताइए, TWO, 872। मतलब जैसे अगर आपने नंबर पहचान लिया कि ये नंबर इतना लिखा हुआ है, तो आप उसको इजीली उसका नंबर नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 आपके पास लिखा हुआ है, अब नंबर पहचानिए कौन सा है ये, 1s, 10s, 100,
अब तो पहचान लेंगे, बताइए। 589, वेरी गुड। कौन सा नंबर है? 589। तो 5 की स्पेलिंग क्या होती है? F I V E, 5। 100 की स्पेलिंग? H U N D R E D, 100, 500, 89। 80 की स्पेलिंग क्या होती है? E I G H T Y, 89, N I N E, 9, 589, क्या है? 589, ओके, समझ में आया? नेक्स्ट नंबर देखिए, इस नंबर को पहचानिए, नंबर कौन सा है? देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, 256, वेरी गुड। नंबर कौन सा है? 256। तो हमने पहले क्या स्पीक किया? 2, तो 2 की स्पेलिंग बताइए। टी डब्ल्यू ओ, 2। फिर हमने स्पीक किया 100, तो 100 की स्पेलिंग? एच यू एन डी आर ई डी, 100, ओके। फिर हमने बोला 50, तो 50 की स्पेलिंग क्या होगी? एफ आई एफ टी वाई, 50, ओके। 6 की स्पेलिंग क्या होती है? एस आई एक्स, 6, ठीक है। तो हुआ 256, ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए, 723, ये हमारे पास नंबर है। तो देखिए, हम राइट साइड से गिनते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। तो 100 प्लस पे है 7, तो होगा 700, और टेंस और वंस को साथ में गिनते हैं तो 23, तो हुआ 723। नंबर कौन सा है ये? 723, ओके। तो 7 की स्पेलिंग स्पीक कीजिए पहले, क्या होती है 7 की स्पेलिंग बताइए? एस ई वी ई एन, 7, वेरी गुड। क्या स्पेलिंग होती है? एस ई वी ई एन, 7। फिर 7 कहाँ है? 100 प्लेस पे, तो किसकी स्पेलिंग आएगी? 100 की, एच यू एन D R E D, 100, ओके। फिर क्या स्पीक किया था? 23, तो 20 की स्पेलिंग क्या होती है? T W E N T Y, 20, एंड 3, T H R डबल E, 3। तो ये आपका नंबर हुआ 723। एक बार फिर से स्पीक कर लीजिए, S E V E N, 7, H U N D R E D, 100, T W E N T Y, 20, T H R double E, 3, 723, ओके। हम और नंबर लेते हैं, जैसे 408, तो देखिए, वंस, टेंस एंड 100, 100 के प्लेस पे है 4, टेंस पे है 0 और वंस पे है 8, तो हम इसको स्पीक करेंगे 408, क्योंकि टेंस के प्लेस पे 0 है, तो 0 की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, ओके। तो क्या लिखेंगे पहले? 4 की स्पेलिंग, 4 की स्पेलिंग क्या होती है? एफ ओ यू आर, 4, ठीक है।
हंड्रेड, फोर कहाँ था, हंड्रेड प्लेस, तो हंड्रेड की स्पेलिंग एच यू एन, सॉरी एक मिनट, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, ओके एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड। टेंथ प्लेस पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, एट ई आई जी एस टी एट, फोर हंड्रेड एट। ये मत कह देना कि टेंथ प्लेस पे ज़ीरो है तो हम ज़ीरो की स्पेलिंग लिखेंगे, ज़ीरो की स्पेलिंग नहीं लिखी जाएगी बीच में, ओके तो ये होगा हमारा 408, कितना होगा बेटा 408। हम और नंबर नेम देख लेते हैं इसी के अंदर, जैसे 607 या 800, ओके देखिए आपने जितने भी नंबर नेम लिखे अभी तक उनमें सब में कौन से नंबर्स यूज़ किए जा रहे हैं, वही 1 to 100 नंबर नेम, तो आपको 1 to 100 नंबर नेम अच्छे से लर्न करने हैं जिससे आप आगे के नंबर्स नेम बना पाएँ, ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए आपका 123, ये कौन से नंबर है 123, तो पहले किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, वन की, ओ एन ई वन, हंड्रेड, हंड्रेड की स्पेलिंग क्या होती है बताइए, अभी अभी हमने लिखी थी ना एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, ओके 100। फिर हमने स्पीक किया 23, तो होगा टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 23, टी एच आर डबल ई 3, क्या होगी टी एच आर डबल ई 3, ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी 100 100, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई 20 टी एच आर डबल ई 3 123। जैसे आपके पास नंबर आ गया ये, तो इसमें 1 और 10 प्लेस पे 0 है, तो ये नंबर है 900, तो ओनली हमें क्या लिखना है एन आई एन ई 9 एच यू एन डी आर ई डी 100, हो गया आपका नंबर नेम कंप्लीट 900, ओके। एक और नंबर नेम देख लीजिए, जैसे हमने कौन सा नहीं किया 396, हमारे पास नंबर है 396, तो हमने पहले क्या बोला 3, तो 3 की स्पेलिंग टी एच आर डबल ई 3, फिर 100 की स्पेलिंग एच यू एन डी आर ई डी 100 96, तो 90 की स्पेलिंग क्या होगी, एन, जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है, ओके एन आई एन ई टी वाई 96, एस आई एक्स 6 396, ओके। नेक्स्ट नंबर देखिए, हमने लिया 509, क्या है ये 509, तो पहले लिखेंगे किसकी स्पेलिंग 5 की, एफ आई वी ई 5, बीच में 0 है तो 0 की नहीं आएगी, ध्यान रखना, पहले क्या है लिखेंगे 100 एच यू एन डी आर ई डी 100, फिर 9 एन आई एन ई 9 509, तो आपको नंबर नेम बनाने आए कैसे बनाने हैं,
पहले आपको काउंटिंग लर्न करनी है, और जैसे ही आपको काउंटिंग लर्न होगी तो ये आपके बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, कुछ नंबर्स नेम, उन नंबर्स नेम को आपको अपनी कॉपी नंबर्स को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और उसके आगे क्या लिखने हैं, नंबर नेम लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपके नंबर्स हैं 286, 578, 115, 408, 6 है आपका 850, 7 है 900, एंड लास्ट आपका नंबर है 149। ये आपको नंबर्स दिए गए हैं 8, इनके सामने आपको क्या लिखना है, इनके नंबर नेम, और बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।